महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी एनडीए में फूट की खबरें आने लगी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी से एलजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी एलजेपी की सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती दिख रही है। हाल ही में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि एलजेपी ने 6 सीटों की मांग की थी। चिराग पासवान के मुताबिक वे सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम और सीटों का ऐलान कल ही होगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर नीतीश का फार्मूला तैयार है। जेडीयू के सूत्रों में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि लोकसभा में भले ही बराबर बराबर सीटों पर सहमति बन गई हो, पर विधानसभा में 2010 में लड़े गए सीटों का आधार होगा। 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब साथ में लोक जनशक्ति पार्टी है, इसलिए उसके लिए भी सीटें छोड़नी है। लिहाजा नीतीश का फार्मूला ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार है। जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने कोटे से बराबर बराबर सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने की बात कह रही है। यानी अगर एलजेपी को 30 सीट भी देनी हो तो 15 सीट जेडीयू और 15 सीट बीजेपी अपने कोटे से दे।